नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कुंभ राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2019। सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूँ, तकनीकी खराबी के कारण मैं यह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो देखते हैं कुंभ राशि को जातकों को क्या खास मिलने वाला है जनवरी में। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़े। चंद्रमा यदि आपके जन्म कुंडली में 11वीं राशि में विराजमान है तो आपकी कुंभ राशि है और यह वीडियो खास आपके लिए। कुंभ राशि की स्थिति कैसी है, यदि आपके ग्रह गोचर दृष्टि देखी जाए जनवरी की, तो सूर्य और शनि की युति आय स्थान पर बनी हुई है। गुरु बुध और शुक्र आपके दशम स्थान में वृश्चिक राशि में विराजमान, मंगल द्वितीय स्थान में धन भाव में विराजमान है, केतु द्वादश स्थान में और राहु छठे स्थान पर कर्क राशि का विराजमान है। यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपको नेत्रों से संबंधित और सरदर्द जैसी परेशानियां 14 तारीख तक बनी रहेंगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी से सूर्य की युति बन रही है, तो यह युति बहुत अच्छी नहीं कहलाती है। अर्थात यदि बात करें आपकी आय की, तो आय संबंधित आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी और चहुं तरफ से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यदि नौकरी से बर्खास्त हो गए थे, तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और नौकरी में ज्वाइनिंग के लिए भी आपको कहा जाएगा। यदि आप अपने व्यवसाय से परेशान थे, तो व्यवसाय भी यहाँ पर आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। व्यवसायिक दृष्टि से भी यह योग बहुत अच्छा है। गुरु और शुक्र का शंख योग आपके दशम स्थान पर, गुरु जो विशेष वहां पर दिग्बली प्राप्त हो जाता है उनको, बुध और शुक्र की युति भी वहां पर बनती दिखाई दे रही है। बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्राप्त कर देते हैं। बुध और शुक्र का महालक्ष्मी योग भी बनता है, तो आपको कार्य क्षेत्र को लेकर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह अवधि आपके लिए विशेष फलदायी होगी, इसमें कोई भी शक नहीं। पारिवारिक समस्या में थोड़ा सा आपको संतान संबंधित और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावग्रस्त, मनमुटाव, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, अर्थात इनसे बचने का सर्वथा आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह माह अत्यंत सफलता दिलाने वाला रहेगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, अपने कार्य को क्षेत्र को लेकर परेशानी महसूस करते हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपका राशि स्वामी शनि आपको शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए, साथ में ही शिवलिंग पर जल और गुड़ से आपको रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। यह आपको सफलता और समृद्धि अवश्य दिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका यह माह अत्यंत शुभ हो, यही मंगल कामना मेरी ओर से आपके लिए।